सिंचन एनिमे सीरीज को तो आप सबने देखा ही होगा और मैं यकीनन यह कह सकता हूँ कि सिंचन सीरीज ने आप सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली होगी। सिंचन के सीरीज को देखकर ना जाने मैं कितना बार हंसा हूँ। क्या आप सबको पता है आप टीवी पर जिस सिंचन को देख रहे हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं सिंचन की मौत कैसे हुई और सिंचन पर एनिमे सीरीज कैसे बना? तो इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जापान के कासुकाबे शहर में नोहारा फैमिली रहता है। नोहारा फैमिली में चार सदस्य है, हिरोशी नोहारा, मिसाई नोहारा, सिंचन नोहारा और हिमावारी नोहारा है। मिसाई नोहारा अपने दोनों बच्चे सिंचन और हिमावारी के साथ शॉपिंग करने ग्रोसरी स्टोर गई थी। मिसाई शॉपिंग करने में इतनी बिजी थी कि उसे अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा और हिमावारी ग्रोसरी स्टोर से निकलकर सड़क के पास चली गई और सड़क पर एक तेज रफ्तार कार आ रहा था। हिमावारी को खतरे में देख सिंचन हिमावारी को बचाने के लिए हिमावारी के पास चला गया और तेज रफ्तार कार के चपेट में सिंचन और हिमावारी आ गए और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रोसरी स्टोर के अंदर मिसाई अभी भी शॉपिंग ही कर रही थी जब उसने सड़क पर भीड़ देखी, तब उसे अपने दोनों बच्चों का ख्याल आया और वह सड़क के पास आई और उसे जिसका डर था वही हुआ। वह सिंचन और हिमावारी की डेड बॉडी देखकर बेहोश हो गई और मिसाई को जब होश आया तब उसके सामने हिरोशी भी रो रहे थे। इस घटना के बाद मिसाई अपने दोनों बच्चों के याद में रोती रहती थी और एक डायरी में अपने दोनों बच्चों के साथ बिताए हुए पल लिखती थी। हिरोशी को मिसाई का यह दर्द देखा नहीं गया और हिरोशी चाहता था कि उसके दोनों बच्चे किसी तरह फिर से जिंदा हो जाए, तो उसने मिसाई की लिखी हुई डायरी लेकर कुछ एनिमे स्टूडियो भी गए और अंत में योशितो उसुई से हिरोशी की मुलाकात हुई और योशितो उसुई ने सिंचन पर एनिमे सीरीज बनाया। सिंचन एनिमे सीरीज की इतनी पॉपुलरिटी की वजह से सिंचन का लास्ट एपिसोड कभी क्रिएट नहीं किया गया। सिंचन का यह डेथ स्टोरी कितना सच है और कितना झूठ है यह तो मैं भी नहीं बता सकता। यह आपको डिसाइड करना है कि आप इस स्टोरी पर बिलीव करेंगे या नहीं। यदि आप सिंचन के टॉयज, टी शर्ट, बैग्स या कुछ भी ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिंचन एनिमे सीरीज को आप किस उम्र में देखना शुरू किए हैं कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें और मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।